जय माता दी। सभी भक्तों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। आठवें दिन महागौरी की पूजा होती है और यह पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएँ सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी उनके साथ सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव शुभ फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अच्छे पुण्य का अधिकारी हो जाता तथा सभी तरह की सुख समृद्धि सौभाग्य आरोग्य माता महागौरी उस भक्त को प्रदान करती हैं। ज़्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। उसके लिए भी हम एक वीडियो बना के डालेंगे, उसके आप देख सकते हैं कि कन्याओं का पूजन कैसे करें। वहीं कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। आप अपने परिवार के रीति रिवाज के अनुसार कन्याओं को भोज कराएं नवमी या अष्टमी, जिस दिन आपके यहाँ परंपरा हो। माता के नए भक्त यदि चैनल पर हैं तो हे माता जो भी चैनल लाइक से सब्सक्राइब करें, उसके घर को खुशियों से भर देना। अब आइए जानते हैं महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। तो माता की अब आप पवित्र कथा सुनिए, माँ कैसे महागौरी बनी। उनकी इसी उम्र में ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति रूप में मान लिया और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सरस्वती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। यदि आपको समय नहीं है तो आप सिद्ध कुंज का स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। आपको दुर्गा पाठ का पूरा फल मिलेगा सरस्वती के पाठ का। और जो लोग 9 दिन व्रत नहीं रख पाते वे पहले और 8वें दिन व्रत भी रखें, यानी कल भी व्रत रखें तो पूरे 9 दिन का फल आपको प्राप्त होगा। अब बहुत ध्यान से कथा सुनिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल फल और पत्तों का आहार करती रहीं। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप स्वयं वर्ण के साथ प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के साथ प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं, क्योंकि माँ का स्वरूप बहुत ही गौर वर्ण या अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भी भूरे रंग का है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे माता अपने भक्तों को अभय मुद्रा देती हैं, और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। माँ गौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है तथा डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण सदैव माता की प्रार्थना करते रहते हैं जब उन्हें माता से सुख सौभाग्य आरोग्य की प्राप्ति करनी होती है, और देव और ऋषिगण उनको इस मंत्र से प्रार्थना करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात माता को वो तीनों रूप माता के इसी रूप में देखते हैं और इसीलिए धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी हैं महागौरी। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल कोमल श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत प्रिय और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। इस दिन कन्या पूजन भी आप कर सकते हैं। माता रानी को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में आपको बांट देना चाहिए। अब हम माता का बीज मंत्र और पूजन विधि की बात करेंगे। चलिए पूजन विधि और माता का मंत्र, बीज मंत्र और मूल मंत्र जानेंगे। माँ गौरी का पूजन मंत्र श्वेते ब्रशे समारूढ़ा श्वेताम्बरा धरा सुचि महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा।
या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र को भी आप जितने बार बोल पाएं बोल लें और सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौर नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र की भी आप एक माला जाप कर सकते हैं। आपको यदि सर्व मंगल चाहिए, तीनों देवी की कृपा चाहिए महागौरी से, तो और महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह होता है। अष्टमी तिथि को आप शास्त्रीय विधि से माँ की पूजा करें। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः, इस मंत्र की 108 बार जप करें यानी एक माला, और माता का बीज मंत्र श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः, ये आपको दिख रहा है इस पर, वो आप करें और इसका भी आप एक माला जाप करें तथा माता की आप पूजा करें। माता को चौकी पर बिठाएं, लाल वस्त्र बिठाएं। यदि आप अष्टमी का व्रत करते हैं तो फिर इस दिन माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें, गौरी का यंत्र रख कर स्थापना करें या फिर उनकी मूर्ति या फोटो ही रख लें। उसके बाद आप माता को लाल चुनरी ओढ़ाएं। लाल चुनरी आपको आज अवश्य चढ़ानी चाहिए। उसके बाद माता को आप माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती, इसलिए आप माँ को सफ़ेद फूल लेकर माँ के चरणों का ध्यान करें और फूल माता को अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। माँ महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद है। यदि आपको मिल जाए तो माता को अर्पित करें और माँ को प्रसन्न करें। जब आप एक माला मंत्र का जाप करें उस समय आप एक एक फूल रात रानी का माँ को समर्पित कर सकते हैं। यदि रात रानी के फूल आपको ना मिले तो आप बेला, उसका भी सफ़ेद फूल होता है, बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो बेला का फूल ले आए। वह एक एक फूल माँ को एक एक मंत्र के साथ समर्पित करते जाएं। और सबसे ज़्यादा शुभ मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः, श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। यह मंत्र आपको दिख रहा है इस समय स्क्रीन पर, इसको आप नोट करके रख लें और माता को प्रसन्न करें, क्योंकि मस्तिष्क में माता का ध्यान कर इनको जपा जाता है। इनकी साधना से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, असंभव से असंभव कार्य भी पूर्ण होते हैं। यदि आप माँ का ये मंत्र एक माला जपेंगे और श्वेत पुष्प 108 एक मंत्र के साथ चढ़ाते जाएंगे। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः सर्व सिद्धि प्रदायक मंत्र है ये। इसको आप एक माला जपें और माता के वरदान को प्राप्त करें तथा माता से प्रार्थना करें कि हे माता, अपनी बुद्धि के अनुसार हमने आपकी पूजा की, अब आप हमें मनोवांछित फल प्रदान करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।